हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्र क्लासेस. बेटा, काफ़ी दिन बाद फिर से हम लोग आप कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, तो चैप्टर नंबर हमने लास्ट टाइम किया था सिक्स्थ, जो था एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, हमने कर लिया है. आज हम लोग ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं. ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपको पता है बेटा, जितना वेटेज इलेवेंथ का है उतना वेटेज ही ट्वेल्थ का है. हार्डली आपको पता है 50-60% आपका आता है इलेवेंथ का, लेकिन मैक्सिमम जो डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं बेटा, वो कहाँ से पूछे जाते हैं आपके, वो आपके पूछे जाते हैं ट्वेल्थ से. तो ट्वेल्थ कंपैरेटिवली इलेवेंथ की इजियर है. ठीक है, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अच्छे से कवर करनी है, ताकि आप जैसे ही आप मतलब क्वेश्चन देखो ना, आपके माइंड में आ जाएगी हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है और इसका आंसर ये है. ठीक है, तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये चैप्टर बेटा वैसे तो थोड़ा कम आता है इससे, बट नीट के पर्पज़ से, एम्स के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज कवरिंग चैप्टर है, और कभी कभी सीबीएसई में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है बताइए. देखो, मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन होता है दोबारा से प्रोडक्शन होना. ठीक है, पहले आप वर्ड्स को देखिए, री प्लस प्रोडक्शन मतलब कि दोबारा से प्रोडक्शन होना. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल्स क्या कहलाता है बच्चों, रिप्रोडक्शन. ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन के भी क्या है बच्चे, टाइप्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो. ठीक है, आपने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पे एक पेरेंट का एनवायरमेंट होता है, यानी कि ओनली वन पेरेंट एनवायरमेंट हेयर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट एनवायरमेंट होता है, यहाँ पर आपको माइटोसिस देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको मियोसिस देखने को मिलती है. नेक्स्ट चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चे, वो क्या होता है, वहाँ पे आपके क्लोन्स का प्रोडक्शन होता है. जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पर जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं. ठीक है, और आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे आपको आपको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती. ये सब चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. चलिए अब मुझे एक एक एग्जाम्पल बताइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बताओ. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं बच्चों, आप बडिंग देख लो, रीजनरेशन देख लो, ये सब किसके टाइप्स हैं, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी प्रोजेनीज को, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. चलो बहुत अच्छे बच्चे, एग्जाम्पल्स डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होता है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, एसेक्सुअल में और सेक्सुअल में डिफरेंसेस लिखने हैं आपको आज, और जाके एग्जाम्पल्स सीखने हैं. चलो सबसे पहले आता है बच्चे, अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स में देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया कि चलो मैम, मैम ने बताया कि एक पेरेंट का एनवायरमेंट हो रहा है, माइटोसिस यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, और जो प्रोजेनीज का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो क्या होता है बच्चे, क्लोन्स होता है. चलो अब क्लोन्स क्या होता है, क्लोन्स जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं. सपोज दैट अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप कोई भी मोड देख लो, चाहे आप फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, कुछ भी देख लो, वहां पर जो प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगी वो कैसे होंगी बच्चे, वो एक जैसी होंगी. ठीक है, चलिए सबसे पहले द मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन एनिमल्स आर एज फॉलोज. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको मेजर फॉर्म्स दिखाई गई है बच्चे, जो मेजरली किसके अंदर मिलती है, इंडिविजुअल्स के अंदर मिलती है. ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों.
फर्स्ट आता है बच्चे हमारा फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टूटना। अब केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं ना, फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शंस। तो फिजन मतलब क्या होता है बच्चे? फिजन मतलब होता है टूटना, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम। आप छोटी क्लासेस में डायग्राम देख के आए हो कि एक अमीबा होता है, अमीबा में जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है तो उस वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक में सारी ऑर्गेनेलीज आ जाती है, एक में थोड़ी कम आती है, लेकिन वो फिर फाइनली बना लेता है, ठीक है बच्चे। आपने ये सब पढ़ा था। तो फिजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। अब फिजन के भी टाइप्स होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। अमीबा फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? बाइनरी फिजन करता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? मल्टीपल फिजन करता है। तो ये एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए बच्चे। नेक्स्ट आता है आपका बडिंग। अब ईस्ट के ऊपर आपने देखा कि ईस्ट के ऊपर क्या होती है? बडिंग होती है। ईस्ट के ऊपर आपको टोरुला कंडीशन देखने को मिलती है। सपोज दैट दिस इज योर ईस्ट। यूनिसेलुलर क्या है बच्चे? ये पढ़ा चुकी हूँ मैं, बताइए। यूनिसेलुलर फंजाई है बच्चों ये, ठीक है। आपने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में 11th के। ये क्या है बच्चे? अपने जैसे देखो, बडिंग हो रही है यहाँ पे। बडिंग जो ये होती है बच्चे, ये कैसी होती है? इक्वल होता है या अनइक्वल होता है? यहाँ पे अनइक्वल बडिंग आपको देखने को मिलती है। इस कंडीशन को कहते हैं टोरोला कंडीशन। पूछा जा चुका है नीट में, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, कुछ हार्ड तो नहीं लग रहा ना? फर्स्ट चैप्टर है, ईजी है, ठीक है। चलिए, फिर हमने देखा स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है बच्चे? स्पोरुलेशन बनते हैं स्पोर्स। स्पोर्स के ऊपर बनती है सिस्ट वॉल, मतलब कि सिस्ट जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि बहुत ही हार्डली कवरिंग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में आते ही रिप्रोड्यूस हो जाता है। अमोबे जो होते हैं, जितने भी आपके मल्टीपल फिजन में जो भी अमोबे बनते हैं, वो स्पोरुलेशन करते हैं, ठीक है, और फिर फाइनली फेवरेबल कंडीशन में जाके रिप्रोड्यूस कर देते हैं। फिर है बच्चे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है टूटना। अब ये रीज़न बहुत बहुत हो सकता है। सबसे फैमिलियर एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन का है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में जब मैकेनिकल इंजरीज होती है तो एक स्पायरोगायरा अपने आप को ब्रेक कर लेता है। स्पायरोगायरा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्पायरल जैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ से सपोज दैट ये टूट गया, तो टूट करके जो फ्रेगमेंट ज़मीन के ऊपर गिरता है वो क्या कर देता है? फिर अपने आप को न्यूली रिप्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट आता है बच्चों रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब दोबारा से जनरेशन करना। आपको पता है कि जो प्लेनेरिया है, रीजनरेशन दो टाइप का होता है, एपिमॉर्फोसिस और मॉर्फोलेक्सिस। एपिमॉर्फोसिस मतलब कि जब 100% रीजनरेशन आपको देखने को मिले। सपोज दैट प्लेनेरिया के छोटे से हिस्से से प्लेनेरिया अपने आप को पूरा रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों? एपिमॉर्फोसिस। एंड सेकेंड वन इज योर मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस मतलब क्या होता है बच्चों? मॉर्फोलेक्सिस मतलब होता है जब कोई पार्ट जो होता है वो पूरा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्लीट रीजनरेशन नहीं मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, बताइए कौन सा? एग्जाम्पल है लिवर, ठीक है। तो लिवर के अंदर कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की। सबसे अच्छी एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पे प्लेनेरिया, विप्टेल ऑफ लिजार्ड। कवर हो गए सब। चलो नेक्स्ट आता है क्लोन्स। अब मैं बार बार ये टर्म बोल रही थी आपको, मैंने समझाया भी था। क्लोन्स सबसे पहले ए सेक्शुअल में आते हैं कि सेक्शुअल में आते हैं? क्लोन्स आते हैं हमारे ए सेक्शुअल में, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू द इंडिविजुअल्स। आपको पता है जो कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जितनी भी प्रोजेनीज होती है वो एक दूसरे की कैसे होती है? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं बच्चों? क्लोन्स कहते हैं। चलो राइट डाउन कर लीजिए इसको, इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी CBSE में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या 1 मार्क्स में डिफाइन करने को आ जाता है वॉट इज क्लोन, ठीक है बच्चों, तो कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स। आपको पता है बच्चों, दीज आर द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर विच आर वेरी मच यूजफुल इन केस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ये जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है, एज फॉर एग्जाम्पल सबसे आप पढ़ चुके हैं बर्ड्स हाइड्रा। आपको पता है हाइड्रा जो होती है,
कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सबस्ट्रेटम होता है, यहाँ पे एक न्यू हाइड्रा अराइज होता है, ये टूट करके नीचे गिर जाता है और न्यूली अराइज हो जाता है। तो हाइड्रा जो होता है बच्चे, वो कहाँ से जर्मिनेट होता है? वो बड्स के थ्रू जर्मिनेट होता है। तो ऐसे ही स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं, ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, जर्मिनेशन में यूजफुल होता है। सबसे पहले आपको पता है जूस्पोर्स, आपको पता है जो क्लेमाइडोमोनास है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? वो एज एन जूस्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं। जूस्पोर्स कैसे थे बताइए, नॉन मोटाइल थे या मोटाइल थे? जूस्पोर्स होते हैं आपके मोटाइल, ठीक है, मोटाइल स्पोर्स है, और इनसे क्या जर्मिनेशन होता है? क्लेमाइडोमोनास। कुनीडिया पेनिसिलियम के ऊपर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हो रही थी, आपने पढ़ा था एस्कोमाइसिटीज के केस में। एस्कोमाइसिटीज फंगस के केस में क्या पढ़ा था आपने? कोनीडिया के ऊपर, सॉरी पेनिसिलियम के ऊपर कोनीडिया प्रोड्यूस हो रही थी एक्सोजेनसली बेसल पोर्शन पे। वहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों? जो कोनीडिया है वो जर्मिनेशन में यूजफुल थी, ठीक है, बर्ड्स हाइड्रा में। और गिम्यूल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? गिम्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं स्पॉन्जेस के अंदर। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, CBSE में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है कि गेम्यूल्स फॉर्मेशन कहाँ होती है। तो आपने चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं आप स्पॉन्जेस के अंदर, मोनोएक्सॉन गेम्यूल्स पढ़ चुके हैं, स्पिक्यूल्स पढ़ चुके हैं। तो ये गेम्यूल्स फॉर्मेशन कहाँ होती है बेटा? ये होती है आपकी स्पोर्स के केसेस में। चलिए नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सब लोगों का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जो वेजिटेटिवली अपने आप को रिप्रोड्यूस करे। देखो नाम में ही सब कुछ छपा होता है, अगर आप कंसेप्चुअली इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिवली अपने आप को प्रोड्यूस करे, मतलब प्लांट्स का कोई भी हिस्सा अगर वेजिटेटिवली एक प्लांट्स को जर्मिनेट कर रहा है तो वो रिप्रोडक्शन कैसा है बच्चों? वो वेजिटेटिव है। अब बताइए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होना चाहिए या सेक्सुअल होना चाहिए बताओ? क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंटल मोमेंट है बच्चे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ये होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है CBSE के अंदर कि बताइए बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज हेयर ओनली वन सिंगल पेयर पेरेंट एनवायरमेंट होता है यहाँ पर। तो ये क्यों होता है बच्चे? क्योंकि यहाँ पर आपका वेजिटेटिवली प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी हिस्सा टूटेगा उसमें दो पेरेंट्स की तो एनवायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल है आइज इन ट्यूबर। आपको पता है जो पोटैटो होते हैं उसके ऊपर आई स्टिक्स निकली होती है, एक्सिलरी बर्ड्स निकली होती है वाइट येलो कलर की, वो क्या होती है? आइज इन ट्यूबर। वहाँ से क्या होता है? दूसरे जर्मिनेशन होता है पोटैटो का। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है आइज इन ट्यूबर पोटैटो। फिर जिंजर के जो राइजोम्स होते हैं, आपको पता है ना अदरक, अदरक के नीचे कुछ धागे जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, वो क्या होता है? वो होती है हमारी राइजोम्स, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। क्वेश्चन आ चुका है बच्चे। नेक्स्ट होता है बुलबुल, जो कि आपको अगेव में, अगेव कौन सा प्लांट है पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, अगेव होता है हमारा सेंचुरी प्लांट। रनर होता है ग्लैडियोलस में, बल्ब्स अनियन में। अनियन आपको पता है अनियन और गार्लिक क्या है? फ्लैशी लीव्स हैं। अनियन एंड गार्लिक आर एक्चुअली इन फ्लैशी लीव्स। ऊपर जो होता है टफ्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर जो कड़वा सा होता है वाइट कलर का, उसे क्या कहते हैं? बल्ब। और बल्ब किस में जर्मिनेशन में हेल्पफुल होता है? बहुत ज़्यादा वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल क्या है एक्चुअली बच्चे? बंगाल के अंदर वाटर हाइसिंथ एक प्लांट होता है, इकोनिया क्रेसियप्स। ये इतना फास्टली वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को पानी के अंदर, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट है। तो पानी के अंदर इतना फास्टली रिप्रोड्यूस करता है कि आप जितना इसको हटाओगे उससे ज़्यादा ये उग जाएगा, ठीक है। इसको नीलार कुरंजी भी कहते हैं। तो ये इतना फास्ट रेट पर प्रोड्यूस करता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है इसको हटाने में। ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि जब ये पानी में ग्रो करता है तो यहाँ पर जितनी भी फिशेज हो जाती है वो मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि ये सारी की सारी ऑक्सीजन पानी में से खींच लेता है। अब ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी प्लांट्स के, ऑक्सीजन नहीं बचेगी पानी के अंदर, तो जितनी भी वहाँ पर एक्वाटिक लाइफ है उनके ऊपर कितना गहरा असर होगा ना, वहाँ पर फिशेज सर्वाइव कर पाएंगी,
ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या क्या कहा गया, टेरर ऑफ बंगाल। चलिए नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे बच्चे हमें फेजेस पढ़नी है, फेजेस ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले आती है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल आपने ये वर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि जुवेनाइल सेशंस होते हैं, जब कोई बच्चा जो होता है कोई गलती कर देता है, कोई क्राइम कर देता है, तो उसको कहाँ पे लेके जाता है, उसको जुवेनाइल कोर्ट में लेके जाते हैं, जो जुवेनाइल सेशंस होते हैं। तो जुवेनाइल का मतलब यहाँ पर भी वही है, जुवेनाइल फेज वो फेज होती है जहाँ पर आपको ग्रोथ और मैच्योरिटी को अटेन करना होता है। ये जो टीनेजर वाली जो एज है ना आपकी, ये कैसी फेज है, ये जुवेनाइल फेज है, याद रखना। तभी कह देते हैं कि आप इतनी शैतानी मत करो, अभी तो जुवेनाइल फेज में हो आप लोग, कह देते हो ना, लेकिन हम तो शैतानी करेंगे, है ना। चलिए, तो ये कैसी फेज है बच्चे, ये फेज है स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज के खत्म होने के बाद और जब ये पूरी तरह अटेन हो जाती है, तब क्या होता है, तब आती है आपकी रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिच्योर हो जाते हैं और फुल्ली कैपेबल होते हैं कि आप एक न्यू बेबी को अराइज कर सके। तो वो फेज कैसी होती है, हमारी रिप्रोडक्टिव फेज होती है। नेक्स्ट फेज होती है सेनेसेंस फेज। अब जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने लग जाती है, फिर कौन सी फेज आती है बच्चे, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने के बाद आती है सेनेसेंस फेज। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका डिट्रियोरिटेशन होने लगते हैं, मतलब उनकी जो काम करने की क्षमता है वो खत्म होने लगती है। धीरे धीरे आपकी ग्रोथ एज जो होती है वो ओल्ड एज की तरफ जाने लग जाती है, और सेनेसेंस एज के बाद फाइनली कौन सी फेज आती है आपकी, डेथ फेज। फिर आती है आपकी डेथ फेज, जब आपके ऑर्गन्स कंप्लीटली इनकेपेबल हो जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज को अटेन करने के बाद आपकी कौन सी फेज आई, सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज में क्या हुआ बच्चे, आपके जितने भी ऑर्गन्स थे वो क्या हो गया, वो नेगेटिव ग्रोथ की तरफ मूव करने लग जाते हैं। वहाँ पे आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को लग जाती है, मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है, डाइजेस्टिव ये सब चीज़ें, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, ये स्लो डाउन होती चली जाती है। और सेनेसेंस एज के बाद फाइनली कौन सी फेज आती है बच्चे, फाइनली आती है हमारी डेथ फेज। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्लांट एग्जिबिटिंग अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना। अब प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही अनयूजुअल सी फ्लावरिंग फेनोमेना देखने को मिलती है हमारे बैम्बू में और स्ट्रॉबेलिंथस कुंथियाना में। बैम्बू में क्या होता है बच्चे, बैम्बू होती है, आपने देखा है कि बैम्बू फ्लावरिंग करती है लगभग 50 से 100 साल बाद और फिर फाइनली मर जाती है। बैम्बू ट्रीज जो होते हैं एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब फ्लावरिंग फेज में आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जनरली 50 से 100 साल बाद फ्लावरिंग करते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, फिर ये मर जाते हैं। आपको पता है बैम्बू का यूज़ कितना होता है, बैम्बू का यूज़ अचार बनाने में, उनका फार्मास्यूटिकल्स में कितना यूज़ होता है, उसकी लकड़ी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कितना ज़्यादा फर्नीचर में हम उसका यूज़ करते हैं। तो बैम्बू इज़ अ वेरी डिमांडिंग प्लांट, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया बैम्बू का यूज़ होता है आपको पता है। तो बैम्बू जो होती है लगभग 50 से 100 साल बाद फ्लावरिंग करेगी और फिर क्या हो जाएगी, मर जाएगी। नेक्स्ट होती है स्ट्रॉबेलेंथस कुंथियाना, इसका नाम है नीलार कुरुंजी। आपने देखा केरला कर्नाटका में 2006 में क्या हुआ, सारी की सारी जो वादियाँ थी वहाँ पे, जो घाटियाँ थी वो कैसे हो गई, वो नीली हरी फूलों से ढक गई। वो किसके फ्लावर्स थे बच्चे, वो स्ट्रॉबेलेंथस कुंथियाना के फ्लावर्स थे। और स्ट्रॉबेलेंथस कुंथियाना लगभग 12 साल बाद क्या करता है, फिर से फ्लावरिंग करता है। तो 2006 में फ्लावरिंग की है तो फिर कब करेगा, बताइए, कैलकुलेट कर लेना। तो केरला कर्नाटका में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए इस चीज़ों को देख के, काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें यहाँ पे लगी। ये किसकी वजह से थी बच्चे, स्ट्रॉबेलेंथस कुंथियाना नीलार कुरुंजी की वजह से। और ये कब रिप्रोड्यूस करती है, लगभग 12 साल बाद। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चे ईस्ट्रस साइकिल। दो टाइप की साइकिल होती है, ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल क्या होती है, जब हमारा जितने भी साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ओवरीज में या ओविडक्ट में, इन केस ऑफ नॉन प्रिमेट मैमल्स वो साइकिल्स कौन सी होती है, वो हमारी ईस्ट्रस साइकिल होती है। कुछ भी इम्पॉर्टेंट सॉरी कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ आपको ये लर्न करना है कि जब भी साइक्लिकल चेंजेस हो,
आपकी ओवरीज में, आपके ओविडक्ट्स में, इन केस ऑफ नॉन प्रीमेट मैमल्स वो साइकिल्स कौन सी होती है? वो साइकिल्स होती है हमारी ईस्ट्रस साइकिल, जैसे रेट्स, शीप, डॉग्स, काउस एंड टाइगर्स। इसके एग्जाम्पल है बच्चे, ये लर्न कर लेना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है साइक्लिकल चेंजेस अकरिंग इन केस ऑफ प्रीमेट मैमल्स, मतलब ओवरीज में, ओविडक्ट्स में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपके कहाँ हो रहे हैं? वो आपके हो रहे हैं आपके प्रीमेट मैमल्स के केसेस में, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए, एप्स हो गए, मंकीज हो गए। लेकिन डिफरेंसेस बस यहाँ पर यही है कि ये नॉन प्रीमेट मैमल्स में होता है, ये प्रीमेट मैमल्स में होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, लिख लेना बच्चों, बोल देती हूँ। साइक्लिकल चेंजेस इन द ओवरीज एंड ओविडक्ट्स इन केस ऑफ प्रीमेट मैमल्स नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज, मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस ब्रीडर्स। कंटिन्यूस ब्रीडर्स क्या होते हैं बच्चों? कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं कि वो ब्रीडर्स जो कंटिन्यूसली, मतलब थ्रू आउट द लाइफ अपने आप को क्या कराएं, ब्रीड कराएं, ठीक है। और सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स वो ब्रीडर्स होते हैं जो सीजनली अपने आप को ब्रीड करते हैं, मतलब उनका ब्रीडिंग टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम पे वो क्या करेंगे, अपने आप को ब्रीड करेंगे। चलिए अब बताइए ह्यूमन बींग्स कैसे हैं, सीजनल ब्रीडर्स हैं या कंटिन्यूस ब्रीडर हैं? मतलब कि एक पर्टिकुलर सीजन में देख के ब्रीड करेंगे या कभी भी कर सकते हैं, कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं? तो वी आर कंटिन्यूस ब्रीडर्स। हम कोई सीजन नहीं, हमें ये नहीं होता कि सर्दी आएंगी तभी ब्रीड करेंगे या गर्मी आएंगी तभी ब्रीड करेंगे, वी कैन कंटिन्यूसली ब्रीड, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बनते हैं, हम लोग हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स। दोज ब्रीडर्स विच आर कंटिन्यूसली सेक्शुअली एक्टिव थ्रू आउट ऑल सीजन्स। नेक्स्ट है सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स के एग्जाम्पल्स है जैसे काउस, बफेलोज, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही अपने आप को सीजनली ब्रीड करती है, ठीक है बच्चे। चलिए तो सीजनल ब्रीडर्स पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं बच्चे जो हमारा फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। ये ऐसे इवेंट्स हैं जो किसके प्रियर होते हैं, जो हमारा फर्टिलाइजेशन कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है बच्चे गेमिटोजेनेसिस, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप होता है आपका गेमीट ट्रांसफर। तो फर्स्ट स्टेप जो हो रहा है हमारा गेमिटोजेनेसिस, इसका मतलब होता है, जेनेसिस मतलब होता है बच्चे बनना, और गेमीट्स मतलब गेमीट्स की फॉर्मेशन होना। आपको पता है गेमिटोजेनेसिस मतलब गेमीट्स की फॉर्मेशन होना। गेमेट्स की फॉर्मेशन क्यों हो रही है? ताकि वो आगे जाके क्या करें, वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करें। अब ह्यूमन बींग के केस में आप देखिए गेमिटोजेनेसिस दो टाइप की होती है। फीमेल्स के अंदर अगर हम देखें उसको बोलते हैं ओजेनेसिस, और मेल्स के अंदर अगर हम उसे देखें तो क्या बोलते हैं उसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस मतलब क्या होता है? ओजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा। जब हमारे फॉलिकल्स बनते हैं, ओवा बनता है, तो ये सब प्रोसेस किस में आता है? ओजेनेसिस में। एक इम्पॉर्टेंट मार्केटली थिंग यहाँ पे ये है कि जो ओजेनेसिस है वो आपके मदर के वॉम्ब से ही शुरुआत उसकी हो जाती है। जब आप कोई फीमेल बेबी मदर के वॉम्ब में है, वहाँ पे क्या होता है, फॉलिकल्स बनने लग जाते हैं। फिर फॉलिकल्स बनते हैं और प्यूबर्टी तक काफ़ी ज़्यादा ख़त्म भी हो जाते हैं, जिसको हम फॉलिकुलर रिट्रैशिया कहते हैं, जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और जो ओजेनेसिस है, ये दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं। ओजेनेसिस फीमेल के केस में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स के केस में होता है। ओजेनेसिस मतलब फॉलिकल्स का बनना, जो आपके मदर के वॉम से ही शुरुआत हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो होता है स्पर्म्स फॉर्मेशन। अब जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है वो मेल्स के अंदर, जो बॉयज होते हैं उनके अंदर प्यूबर्टी के बाद आती है। प्यूबर्टी के बाद क्या बनना शुरुआत होती है? स्पर्म्स बनना शुरू होते हैं, ठीक है। आपको पता है गेमिट्स भी दो टाइप के होते हैं, होमोथैलिक हो गए, हेटरोथैलिक हो गए, ये हम आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट होता है गेमी ट्रांसफर। गेमी ट्रांसफर एक बड़ी अच्छी फेनोमेना है बच्चे, बहुत तरीक़ों से होती है। आपने पढ़ा कि ब्रायोफाइट्स के अंदर वाटर मीडियम था, आपने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो आपकी बायोफ्लेजिलेट्स एंथ्रोजॉइट्स थी वो किसकी तरफ जा रही थी, तैर करके ओवा की तरफ जा रही थी। और वो मूवमेंट कैसा था, वो मूवमेंट था आपका कीमोटेक्टिक या कीमोटेक्सिस, क्योंकि वहाँ पर केमिकल्स का यूज़ हो रहा था। सुक्रोज जो था वो अट्रैक्ट कर रहा था किसको, आपकी बायोफ्लेजिलेट एंथ्रोजॉइट्स को। जिम्नोस्पर्म्स में भी आपने ये देखा कि एयर एयर पॉलिनेशन होता है, मतलब वहाँ पे वाटर मीडियम नहीं था, वहाँ पे क्या हो रही थी, एनीमोकोरी हो रही थी। पढ़ा दिया था ना जिम्नोस्पर्म्स में, याद कीजिए। पेरिडोफाइट्स के अंदर आपने देखा कि वहाँ पे मेलिक एसिड फॉर्मेशन होती है, और वहाँ पर क्या होता है, मल्टी फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइट्स तैर करके जाते हैं वाटर मीडियम में ओवा की तरफ, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एंथ्रोजॉइट्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं या फिर इधर उधर चले जाते हैं, तो उनका कोई रोल ही नहीं होता है। ठीक है, चलो। तो ये दोनों इवेंट्स होते हैं बच्चे। आगे आते हैं गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस में दो टाइप के गेमिट्स बनते हैं, होमोगेमिट्स और हेट्रोगेमिट्स। अब होमोगेमिट्स क्या होते हैं, होमोगेमिट्स होते हैं हमारे जब हमारे गेमिट्स की फॉर्मेशन होती है, और जो गेमिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं। मेल गेमिट्स भी सिमिलर होगा और फीमेल गेमिट, मॉर्फोलॉजिकली दोनों कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, और फिजियोलॉजिकली सिमिलर हो भी सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है होमोगेमिट्स, आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको एल्गी के अंदर देखने को मिलती है। हिट्रोथैली गेमिट्स यानी कि हिट्रोगेमिट्स जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हिट्रोगेमिट्स होते हैं जहाँ पर ओवम और स्पर्म दोनों अलग अलग होती हैं। वहाँ पर आपको दोनों की फॉर्मेशन कैसी होती है, मॉर्फोलॉजिकली भी दोनों अलग होती हैं। जैसे ओवा हो गया मेल्स फीमेल्स के केस में, और स्पर्म्स हो गई आपके मेल्स के केसेस में, तो वो गेमिट्स कैसे होंगे, हिट्रोगेमिट्स। और होमोगेमिट्स का एग्जाम्पल क्या है, आपकी एल्गा एंड सम फंजाई। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि होमोगेमिट्स ऐसे गेमिट्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, फिजियोलॉजिकली सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हिट्रोगेमिट जो मॉर्फोलॉजिकली भी डिसिमिलर होते हैं, फिजियोलॉजिकली भी डिसिमिलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सम एल्गी, मतलब सारी ऑलमोस्ट सारी एल्गी होमोगेमिट्स होती हैं, कुछ कुछ एल्गी जो होती है हिट्रोगेमिट्स होती हैं, और सम फंजाई। इसमें एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और दूसरे होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट। अब आपको पता है जब हमें डिस्टिंक्शंस पता चल गई है कि दिस इज योर मेल गैमेट एंड दिस इज योर फीमेल गैमेट, तो उनको कैसे ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर करेंगे हम, होमो में या हिट्रो में, उनको करेंगे हिट्रोथैलिक गेमिट्स के अंदर, हिट्रोथैलिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कैसे आपको गेमिट्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग। इसीलिए तो हम कह पा रहे हैं कि हाँ दिस इज मेल गैमेट एंड दिस इज फीमेल गैमेट। आपको सेक्सुअलिटी की बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स में, आपको पता है बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पर आपको मेल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक ही बॉडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा अर्थवॉर्म के अंदर देख लीजिए, स्पॉन्जेस के अंदर देख लीजिए, टेपवॉर्म, ये सब कैसे हैं। हाँ भले कि इनके लिए एक अलग टर्म का यूज़ होता है, लेकिन ये कैसे हैं, बायसेक्सुअल कंडीशन को शो करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बायसेक्सुअल कौन से होते हैं और यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल मतलब जिनके पास एक टाइप का ही क्या हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, या तो उनके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फिर उनके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। आप प्लांट्स के अंदर देखिए, आप प्लांट्स के अंदर एक एग्जाम्पल है स्टेमिनेट और पिस्टिलेट का। आपको पता है जिस प्लांट के अंदर आपको स्टेमन्स फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिस फ्लावर के अंदर, वो कैसे फ्लावर्स होंगे, वो स्टेमिनेट फ्लावर्स होंगे। जिस फ्लावर्स के अंदर आपको पिस्टल देखने को मिल रहा है वो पिस्टिलेट फ्लावर होंगे, या तो आपको स्टेमिनेट कंडीशन दिखेगी या पिस्टिलेट कंडीशन दिखेगी इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। बट इन केस ऑफ बायसेक्सुअल प्लांट्स बोथ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट कंडीशन आपको एक ही प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है होमोथैलिक मोनोशियस। आपको पता है होमोथैलिक या मोनोशियस या कह सकते हैं बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक मोनोशियस या बाइसेक्सुअल। होमोथैलिक शो करता है बाइसेक्सुअल कंडीशंस को, जहां पर आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, चलिए
इसके एग्जाम्पल है बच्चे क्यूक्यूबिट्स और कोकोनट्स। नेक्स्ट है हीट्रोथैलिक डाइशेस। हालांकि इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा आता है, नीट में भी, एम्स में भी और सीबीएसई में भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि बताइए मोनोशियस और डाइशियस में क्या डिफरेंस है। तो आप बता देंगे कि जहाँ पे स्टेमिनेट पिस्टलेट कंडीशन बाइसेक्सुअल कंडीशन में देखने को मिले वो क्या होगा बच्चा, वो होगा हमारा होमोथैलिक कंडीशन। एग्जाम्पल क्यूक्यूबिट्स एंड कोकोनट्स। नेक्स्ट आता है हीट्रोथैलिक यानी कि डाइशियस कंडीशन। यहाँ पर आपको क्या होता है, आपको यूनिसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलती है। बस याद रखिएगा होमोथैलिक मोनोशियस बाइसेक्सुअल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हीट्रोथैलिक डाइशियस यूनिसेक्सुअल। ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे जैसे ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये पपाया में या डेट पाम में आपको देखने को मिल सकती है, इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। फिर आता है हर्मैफ्रोडाइट। अब हर्मैफ्रोडाइट क्या होता है, हर्मैफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर आपको बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलती है। याद रखिएगा हर्मैफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच शोज बाइसेक्सुअल कंडीशन। एंड व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, टेप वॉर्म, स्पॉन्जेस और लीचेस। ठीक है, तो याद करिए एग्जाम्पल टेप वॉर्म, स्पॉन्जेस एंड लीचेस। चलिए तो फिर आता है हमारा गेमीट ट्रांसफर। गेमीट ट्रांसफर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है बच्चों। सबसे पहले आपको समझना है कि जो गेमीट ट्रांसफर होता है वो मेजॉरिटी ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जहाँ पर आपको सिनगैमी आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है वहाँ पे क्या होगा, गेमीट ट्रांसफर भी होगा। अब गेमीट ट्रांसफर कैसे होता है, आपने देखा है कि इन एल्गी, इन फंजाई या ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम। वहाँ पे मीडियम कौन सा है बच्चे, वाटर है, जहाँ पर क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन वाटर के थ्रू हो रहा है। वाटर के थ्रू क्या होता है, बायफ्लेजिलेट एंथ्रोजॉइड जो होती है वो तैर करके आती है और कहाँ पहुँचती है, अपने ओवम के पास। आपने देखा ब्रायोफाइट्स के अंदर में, ब्रायोफाइट्स पढ़ा है ना, 11th में पढ़ाया था आपको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। वहाँ पर आपने देखा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या होता है, वहाँ पर बायफ्लेजिलेट एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होती है बहुत ही हाई नंबर में। अब वो हाई नंबर में रिलीज होती है तो स्विम करके जाती है ओवम के पास। वो मूवमेंट कैसा होता है बच्चे, कीमोटेक्टिक और कीमोटेक्सिस मूवमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे सुक्रोज फॉर्मेशन देखने को मिलती है और सुक्रोज की तरह वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। इसीलिए कीमोटेक्टिक टेरिडोफाइटा में मेलिक एसिड फॉर्मेशन आपको देखने को मिली, जहाँ मल्टी फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइट्स क्या हो रही थी, ट्रांसफर की जा रही थी। ठीक है, तो एल्गी में, फंजाई में और ये आपका ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, यहाँ पर जो एंथ्रोजॉइट्स होते हैं वो वाटर के थ्रू ट्रेवल करते हैं। लेकिन आपको पता है कि ओवम के पास पहुँचना है इसलिए इनको बहुत थाउजेंड नंबर्स में रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं आपके ट्रांसफरेंस के दौरान। नेक्स्ट आता है बेटा, आपने देखा, सॉरी सबसे पहले आपने देखा गेमीट ट्रांसफर के दौरान वाटर वाला केस। नेक्स्ट है आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या हो रहा था, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एक ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन थी कि वहाँ पर वाटर का यूज़ ना हो करके क्या हो रहा था, एयर का यूज़ हो रहा था। इसीलिए उस टर्म को हमने बोला था एनीमोकोरी। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स इसको कहते हैं एनीमोफिली। वहाँ पर एयर का यूज़ हो रहा था। अब आप खुद देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म्स, वहाँ पर मेल गेमिट्स का करियर कौन होता है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स को कहाँ पहुँचना है, फीमेल गेमिट्स के पास। अब ये पहुँचने के दौरान क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिनेशन करवानी पड़ेगी। पॉलिनेशन क्या होता है बताइए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मैटिक सरफेसेस कॉल द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में भी हमने इतने सारे केसेस पढ़े हैं 11th की क्लास में। जो बच्चा जिसको याद नहीं है अभी जाइए 11th के लेक्चर्स पे, पढ़िए उन्हें जाके, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। वहाँ पर आपने देखा हाइड्रोफिली क्या होता है, वो वैसा पॉलिनेशन जो पानी के थ्रू हो रहा है, एंटोमोफिली जो इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, पढ़ा था ना, एनीमोफिली जो एयर के थ्रू हो रहा है जैसे जिम्नोस्पर्म्स में होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं बच्चे, पॉलिनेशन। ठीक है, चलो गेमीट ट्रांसफर। अब आप देखेंगे मेल गेमीट्स को, फीमेल गेमीट्स को, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी
ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पे भी बहुत स्पेशलाइज मैकेनिज्म होती है, इसको क्या कहते हैं, कोइटस किया जाता है, ठीक है। आपको पता है स्पर्म्स जब रिलीज होती है फीमेल बॉडी के अंदर, वजाइना के अंदर जब रिलीज होती है, तो वजाइना का जो नेचर होता है वो बहुत ही एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू स्पर्म्स। अब स्पर्म्स कैसी हैं आपकी, स्पर्म्स है एल्कलीन नेचर की, इसीलिए उसको बायकार्बोनेट आयंस के अंदर सीमेन के फॉर्मेशन के दौरान भेजा जाता है, ताकि वो क्या हो, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब मरे ना, क्योंकि वजाइना कैसी है, एसिडिक है, फिर आगे भी फर्दर भेजा जाता है, इसीलिए जो मेल गैमेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, ये जो दो वर्ड्स हैं बेटा, ये हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। सिनगैमी मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो इसको क्या है, इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। जायगॉट फॉर्मेशन होती है बच्चों, जायगॉट इज़ द फर्स्ट सेल, ये पहली सेल है, ये पहली कनेक्टिव लिंक है दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। जायगोट इज द फर्स्ट सेल, फर्स्ट लिविंग सेल है जो कैसी होती है बच्चे, आपकी डिप्लॉयड होती है। क्यों? क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के न्यूक्लिया से फ्यूज करके बनती है, और ये जायगोट जो होता है फिर फर्दर क्या होता है बच्चे, इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस हो गया या मियोसिस हो गया ह्यूमन बींग्स के अंदर, बताइए। जायगोट के अंदर जायगोटिक मियोसिस होती है एल्गी के अंदर, मियोसिस होती है इसीलिए रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, लेकिन माइटोसिस होती है कहाँ पर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, है ना। तो जायगोटिक मियोसिस आपको एल्गी के अंदर देखने को मिली, और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है, ये आपका जायगोटिक माइटोसिस देखने को मिलती है। जायगोटिक माइटोसिस होगी उसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जायगोट पहले आपका एम्ब्रियो में चेंज होगा, मोरूला रेड्यूला ये सब स्टेजेस आपको, ब्लास्टुला स्टेजेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, और फीमेल गैमेट ही पूरे के पूरे न्यूली अराइज ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पर कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने की है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मेल न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है, आपका फीमेल गैमेट जो होती है वो कंप्लीटली क्या कर देती है, एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीटली अराइज कर देती है, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स हैं हनी बीज, टर्की, रूटीफर्स। अब दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जो एक्सटर्नली हो, ठीक है। यहाँ पे बॉडी के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ नहीं करेंगे, वो कैसे करेंगे फ्यूज़, बाहर करेंगे। जैसे बहुत सारे आपने एम्फीबियंस में देखा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को बाहर डिस्चार्ज किया जाता है, फिर फाइनली एक जायगोट बनता है। जायगोट एक म्यूसिलजिनस कवरिंग के अंदर होता है, ताकि वो उसमें डेसिकेशन ना हो जाए, है ना। तो वहाँ पे कैसा फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बच्चों जो बॉडी के इंटरनली होता है। आप जैसे ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल देखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर 9 मंथ्स के बाद डिलीवरी होती है, तो पार्टोरिशन टाइम 9 महीने का होता है। 9 महीने के दौरान क्या होता है बच्चे, प्रॉपर डेवलपमेंट होता है बेबी का मम्मा के वॉम्ब में, है ना। वहाँ पे उसको खाना दिया जाता है, फूड दिया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है, वहाँ पे एक्सक्रीटरी चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, अच्छा आप मुझे बताओ, प्रॉपर केयर आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखने को मिली या इंटरनल में मिली? प्रॉपर केयर आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखने को मिली, और ये जो केयर है यही एक रीज़न है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में चांसेस ऑफ सर्वाइवल कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, है ना। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या है बच्चे, बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको कैलकेरियस एग्स फॉर्मेशन देखने को मिलती है एक्सटर्नल में, और इंटरनल में पूरा का पूरा एक इंटेक्ट बेबी देखने को मिलता है। यहाँ पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ही कम है एक्सटर्नल में, क्योंकि उसे बाहर की चीज़ों से, एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है ना। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में चांसेस ऑफ सर्वाइवल वेरी मच हाई। एक क्वेश्चन आता है बच्चे कि व्हाई मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी। अब आपको आंसर करना है,
कि आपने देखा ब्रायोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल गैमेट जो है वो इतने हाई नंबर पे प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बताइए द रीजन बिहाइंड दिस कि जो मेल गैमेट होता है, आपको पता है जो फीमेल गैमेट है वो तो स्टैटिक है, वो अपनी एक जगह पे फिक्स्ड है, लेकिन मोटाइल गैमेट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके स्पर्म्स, और नॉन मोटाइल कैसे होता है? आपकी ओवा इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बल्कि कुछ कुछ एल्गी होती है जहाँ पे आपको मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों मोटाइल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, लेकिन इन मेजोरिटली क्या देखते हैं आप, मेल गैमेट्स बहुत ज़्यादा हाई नंबर में प्रोड्यूस होते हैं ताकि वो प्रॉपरली पहुँच सके, क्योंकि पहुँचने के दौरान बहुत ज़्यादा मेल गैमेट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं बच्चों? आपने देखा प्री क्या था? फर्टिलाइजेशन से पहले बनने वाले प्रोसेस। पोस्ट क्या है बच्चे? फर्टिलाइजेशन के बाद वाले प्रोसेस। तो प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यही डिफरेंस है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जायगोट बन चुका है, अब जायगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना। एम्ब्रियो यहाँ पे बनेगा, ब्लास्टुला मॉरुलस स्टेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है? और आपको पता है कि एम्ब्रियो तभी बना है जब जायगोट के अंदर माइटोसिस हुई है। अगर मियोसिस होती तो वहाँ पे जायगोटिक मियोसिस हो जाती और एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलता। एम्ब्रियो आपको उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है जहाँ पे जायगोटिक मियोसिस अब्सेंट होती है, और उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं एम्ब्रियो फाइटा, जैसे एम्ब्रियो वाले प्लांट्स आपने देखे। तो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस समझ में आ गया बच्चों? एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस को हम चैप्टर 3 में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि इनर सेल मास क्या होता है एम्ब्रियो में, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, तो दोनों चीज़ों का रोल होता है अलग अलग, यहाँ पर हम देखेंगे। फिर आता है ओविपेरस एंड विविपेरस। अब ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो एग लेइंग होते हैं। आपने देखा है रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? एग लेइंग होते हैं। इनकी जो एग की कवरिंग होती है वो कैल्केरियस शेल से बनी होती है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, और बहुत ही टफ सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा बेबी प्रोड्यूस होता है। विविपेरस यानी कि विविपैरिटी शो होती है जब बेबी को इनसाइड द वॉर्म रखा जाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एप्स हो गए, ये सब क्या है बच्चे? यहाँ पर बेबी को वॉर्म के अंदर रखा जाता है। तो आपको पता है इसके अंदर भी चांसेस ऑफ सर्वाइवल कहाँ पर ज़्यादा है, विविपैरिटी में या ओविपैरिटी में? विविपेरस में क्या होगा बच्चे? विविपेरस में चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी मच हाई। व्हाई? क्योंकि उसको प्रॉपर केयर में रखा जाता है ना, इनसाइड द वॉर्म। यहाँ पे आपने देखा ह्यूमन बींग्स के अंदर प्लेजेंटा होती है, सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाटर्स वाटर फ्लूइड्स होते हैं अंदर, तो हार्मोन्स होते हैं, ये सब चीज़ें क्या है? बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्शन वेरी मच हाई, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है इन केस ऑफ विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। एंड ओविपेरस जो एगलिंग ऑर्गेनिजम्स है, आपको क्या करना है? दोनों के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। आपको मैंने समझा दिया है ओविपेरस क्या होता है, विविपेरस क्या होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होता है बच्चे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बन गया है, ठीक है, अब यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होनी है। सीड फॉर्मेशन के दौरान आपने देखा कि जो पिस्टिल है वो एज इट इज रहता है, इंटैक्ट रहता है अपनी पोजीशन में। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन गिर जाते हैं, ठीक है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स विदर ऑफ एंड फॉल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आप एज इट इज इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है जायगोट बिकम्स एम्ब्रियो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के दौरान जायगोट किस में चेंज हो जाएगा? आपका एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। ओव्यूल्स क्या बन जाएंगे बच्चे? आपके सीड बन जाएंगे। ओवरी क्या बन जाएगी? आपकी फ्रूट बन जाएगी। सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। आपने देखा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के दौरान ओव्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? आपका सीड्स में, क्योंकि ओव्यूल्स में माइक्रोपाइल था। माइक्रोपाइल क्या कर रहा था? मेल गैमेट्स को एंटर करवा रहा था, 11th में पढ़ चुके हैं। और फ्रूट्स के अंदर माइक्रोपाइल का केस क्या होता है? सीड्स के अंदर क्या होता है? यहाँ से ऑक्सीजन वाटर अंदर जाता रहता है, ठीक है, तो माइक्रोपाइल का रोल देखा आपने। ओवरी जो है वो फ्रूट में हो जाएगी। अब ओवरी वॉल जो होती है
ट्रिजमेन इंटेगुमेंट्स जो थे आपने पढ़े, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेरिकार्प को कहते हैं ओवरी वॉल, ठीक है। जो ओवरी वॉल होती है वो फ्लैशी भी हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है। फ्लैशी जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंगो की होती है, ठीक है। मैंगो हो गया आपका, बनाना हो गया, सब कैसी वॉल्स हैं? फ्लैशी वॉल्स हैं। तो सीड्स कैसे जनरेट करता है? फेवरेबल कंडीशन में, जब उसको प्रॉपर एयर, प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर फूड मिलेगा, तब जाके वो क्या करेगा, अपने आप को जर्मिनेट करेगा। चलिए बच्चे, ये चैप्टर ख़त्म हुआ है यहाँ पे। तो काफ़ी छोटा चैप्टर था, इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। और आपने देखा यहाँ पर, आपने आज फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखे, उससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखे। उससे पहले आपने देखा कि लाइफ स्पेन क्या होता है। लाइफ स्पेन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जीने की और मरने की उम्र विधि जितनी भी होती है वो लाइफ स्पेन कहलाती है। फर्स्ट चैप्टर पे आपके कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, सबकी लाइफ स्पेन लिखनी है, फिलअप करनी है, लर्न करना है। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, कितने टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल कितने टाइप्स का होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है। और मैं आज आपको होमवर्क दे रही हूँ बच्चे, ये चैप्टर आज आपको एनसीईआरटी से जाके कवर करना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं। हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू।